इमोशनल इतना जो आपने किया है ना, अभी तक शायद ही कोई कंटेस्टेंट ने किया होगा। यार मैं ये शो पे आया था एक रीजन के लिए, और वो रीजन यही था। हाँ, वो तो वो क्लियर किया था ना आपने, मुझे लोगों से वापस कनेक्ट होना था और एक अपना जो मैं हूँ रियल लाइफ में वो कहीं ना कहीं दिखाना था। ये शो में क्या है ना, आप जैसे भी हो 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन 107 दिन कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। कोई दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर भी आपको दिख जाएगा इंसान कैसा है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी था मेरे हिसाब से कि वो लोगों के साथ थोड़ा कनेक्ट होना। बिल्कुल, और ये आपके लिए शायद ही, चलो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि बहुत फ़ायदा हो आपको इस सीज़न से। और मैं यार 27 साल से कर रहा हूँ काम, मेरे को बस यही है कि जब तक जिंदा रहूँ काम करते हैं। आपको दूरदर्शन से देख रहे हैं सर आप? हाँ हाँ, मैं दूरदर्शन, अरे केबल टीवी करता था मैं, सब करता था। आपको तो सर बिग बॉस वाला का पूरा मास्टर माइंड ही बोल दिया लोगों, मास्टर माइंड मंडली है सर, शब्द कोई मास्टर माइंड नहीं होता बिग बॉस। अरे मैं तो बोलता ना, कुछ दर्शक अभी भी है जिनको लगता है ये शो स्क्रिप्टेड है, मैं खुद अभी जाके 107 दिन रह चुका हूँ ना, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, जो है सब रियल है। जो झगड़े होते हैं वो कभी कभी बोलो, कभी कभी हम लोग कुछ पार्टिसिपेंट्स कैमरा को देख के कर भी लेते हैं, कोई मुद्दा नहीं होता तो भी मुद्दा बना लेते हैं, उनको लगता है झगड़े करने से फुटेज होगा। हाँ, मेरा ये था मेंटली, मैं ये सोच रहा था कि जो भी पत्थर फेंकेगा मैं उसकी तरफ फूल रखूँगा, कब तक फूल पे पत्थर डालते रहे। और मुझे ऐसा लगा कि यार ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को जीत लेती है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल जीतने में मुझे ऐसा लगता है थोड़ी कामयाबी मिली और पब्लिक को भी थोड़ा मज़ा आया। जबकि कुछ लोगों ने मुझे शो में आने से पहले बोला था कि शो पे जो झगड़ा नहीं करता है वो आगे तक नहीं जाता है, तो मैंने उनको पहले बोला तो फिर मुझे शो पे जाना नहीं, जो मेरा झगड़े वाला नेचर ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सब अपने साथ ही है, क्या शो ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, क्या झगड़ा करना। और वही कोशिश की, जबकि एक दो बार मैं भी सनका वहाँ पर, कोई भी सनकेगा, लेकिन मेरे मुद्दे सनक के लेकिन आपकी जो रिस्पेक्ट बाकी तमाम जितने कंटेस्टेंट थे, शायद ही बिग बॉस में शायद किसी और कंटेस्टेंट को इतनी रिस्पेक्ट मिली हो, और आपकी जो बात मानी गई है शायद ही किसी कंटेस्टेंट ने और बिग बॉस में माना हो, शायद ही माना। ये कहीं ना कहीं बाकी कंटेस्टेंट्स का भड़कपन है कि उन्होंने, नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो 100% राइट है, इसमें कोई शक नहीं। बट मैंने थोड़ी ना किसी के गले पे चाकू रखा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरे हिसाब से दिल जीतने का बहुत। और इस बार के कंटेस्टेंट भी काफी स्वीट से और क्यूट से और सभी अच्छे थे। नहीं नहीं, कोशिश तो की सबके, दो तीन जन ने कोशिश भी की, लेकिन फिर मेरा ये है कि वही ना कि तूने मेरे को कांटों का हार पहनाया, मैंने तेरे को फूल का हार पहनाया, क्या कर लेगा तू? अब्दू को तो वो देख के, अब्दू को उनके बगैर नहीं रहते थे, अब्दू को संभाला, कोशिश किया, अभी पुणे लेके जा रहा हूं। एमसी स्टैंड, एमसी स्टैंड, एमसी शेव, निमरित, सुम्बुल, शालीन, लेकिन आपने कभी टीम वाइज नहीं समझा, वो बात अलग है कि अगेंस्ट वाले अगर समझते हैं या नहीं। यार फिर से मैं, जो जीतने के लिए आता है ना शो, वो नहीं जीतता है, और मैं जीतने के लिए आया नहीं था, और मैं जब स्टार्टिंग में बोल रहा था ये बात, तो उनको ऐसा लग रहा है तो बोल रहे हैं तो गेम खेल रहे हैं, वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं मेंटली सबके दिमाग भी यही चलते रहते हैं कि अगला दिन कैसे निकले, अगला दिन कैसे निकले, बहुत रहना बहुत मुश्किल है अंदर, बस 107 दिन तक आपको सूरज नहीं दिखता है। जी जी जी, आपको क्या छोटा भाई जा आया, छोटा भाई जा love you bhai, love you bhai, my new song is in YouTube, please guys go see my new song pyar. Yes, chalak bro, very chalak, very chalak bro.